हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश कदम राइड में आपका स्वागत है। अभी बजे सुबह के 5। हमारी आज की राइड है मुंबई टू गोकर्णा। गोकर्णा ये मेरी सबसे अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट राइड है। इसके पहले मैंने जितने भी राइड्स किए वो सब शॉर्ट राइड थी, जैसे कि मुंबई टू मार्चेस, मुंबई टू अलीबाग, मुंबई टू पुना, मुंबई टू महाबलेश्वर। मेरा जैसे नेटिव प्लेस महाबलेश्वर है, सो ये मैक्स 700-800 किलोमीटर होती है। सो मुझे इसमें इससे ज़्यादा करना है, तो अभी मैं लॉन्ग राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड है जिसमें 1700 किलोमीटर अप्रॉक्स ये राइड होने वाली है। और इसमें हम मुंबई से लेके गोकर्णा तक जो भी बीच में आएंगे पॉइंट, जैसे कि मुंबई से फिर लोनावाला से फिर पुणे, पुणे से आगे सातारा, सातारा से आगे कराड़, कराड़ से आगे कोल्हापुर, कोल्हापुर से आगे बेलगांव, बेलगांव के आगे फिर कर्नाटक, यहाँ तक का हमारा पूरा ये जर्नी है। तो हमारा पहला मीटिंग पॉइंट है दत्तगुरु स्नैक्स, जो है पनवेल में। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक अंधेरी से, एक बोरीवली से, एक एरोली से, सो सबके लिए बेटर वे, जो सबसे सबको एक एक ही पॉइंट था, जो वो था दत्तगुरु स्नैक्स। और वहाँ पे हम रुकने वाले हैं, हम मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से एक राइड जाता है जो मुंबई गोवा हाईवे, और एक स्टेट रोड जाता है जो मुंबई पुणे हाईवे। सो इन दोनों के बीच वाला वो पॉइंट है जहाँ पे सब मीटअप करते हैं। हमारा जहाँ पे मीटिंग पॉइंट था, सो वहाँ पे मेरे कैमरे का कुछ इशू हुआ जब स्टार्ट हुआ। हमने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हमारा मतलब इशू ये हुआ था कि मेरे कैमरे का मैंने रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब कैमरा स्टार्ट हुआ था पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और कैमरा बीच में बंद हो रहा था। तो मैंने उसका एक एक्स्ट्रा बैटरी था मैंने कैरी किया था, वो बैटरी मैंने उसमें अभी फिट किया है। हमारा टाइमिंग था कुछ 6:30-7 बजे का, हम मोस्टली आधा घंटा लेट है अभी। बेसिकली मैं मुंबई से पुणे सोलो राइड कर रहा हूँ, और पुणे पे किरण वो वहाँ पे हमें मिलने वाला है, सो वहाँ से हम उसको पिकअप करेंगे। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं लोनावला। ये ब्रिज तो आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो में देखा रहेगा, फिर भी मेरे वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ ना, तो आपको देखना ही पड़ेगा। जोक पार्ट, यहाँ से जाने के वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में अभी तो कोई नहीं है, पर नॉर्मली यूजुअली यहाँ पे मोस्टली सब फोटो और वीडियोस ये सब निकालते रहते हैं, क्योंकि ये हिल पॉइंट है। ये आगे है हमारे साथ अभी मेहुल भाई, और मेहुल भाई का ये आई थिंक सेकेंड या थर्ड राइड है। अभी हम आए हैं लोनावला मार्केट, और मेरे आगे है उमेश भाई, कि हर राइड में ये इंडिया का फ्लैग रहता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोग चलते हुए जा रहे हैं। ये चलते हुए कहाँ जा रहे हैं आपने नोटिस किया? मैं बता दूँ आपको, ये चलते हुए जा रहे हैं आई एक्वीरा के पालकी के साथ, और ये पालकी जाएगी कारला। आई एक्वीरा का मंदिर है, और ये आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे राइट साइड में भी बहुत सारे लोग चलते हुए जा रहे हैं। आगे राइट साइड में पालकी है, और पालकी के जस्ट आगे एक ध्वज है, और ध्वज के आगे कोई जाता नहीं, क्योंकि ध्वज एक पालकी का मान रहता है, सम्मान रहता है, उसके आगे किसी को जाना अलाउड नहीं है जो पालकी के साथ आए उनको। अभी हमारे ग्रुप में 3 बुलेट है, एक करिश्मा है, एक CBR 250, और एक मेरा NS है। सो नाउ वी आर इन पुणे, और पुणे में हमें मिलने वाला है किरण। सो आगे एक ब्रिज है, ब्रिज के यहाँ पे लेफ्ट साइड में किरण मिलने वाला है, और मैं थोड़ा लेट हूँ, मेरे दोस्त सब आगे हैं, तो ये रहा किरण। अभी बजे हैं रात के 8, और हम अभी तक बेलगांव तक भी नहीं पहुँचे। बेलगांव से थोड़े पीछे है कोल्हापुर
आपके थोड़ा आगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हुआ है और हमको आपके अभी आके बहुत जाना है, मतलब बहुत दूर जाना है। और आगे का जो रोड है, जो अपना गोकर्णा वाला रोड, वो थोड़ा कच्चा टाइप है, मतलब वहाँ से वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं, वहाँ पर मैप भी नहीं लगा सकते। अभी हम आए हैं बेलगांव, और बेलगांव से हमें यहाँ से आगे एक लेफ़्ट है, जो लेफ़्ट हमें अपना गोकर्णा लेके जाएगा, और वो लेफ़्ट अगर आपने अगर मिस किया तो फिर आपको फिर से यूटर्न लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ़्ट मैप में एकदम माइनर लेफ़्ट है। राइड हमारी लेट शुरू होने की वजह से कल हम रात को लेट पहुँचे, 12:30 तकरीबन 12:30-12 बजे हम पहुँचे, और हमने फिर हमने एक दिन में 750 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, अभी उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वो हमने कवर किया, तो उससे सब टायर्ड हो गए थे, तो हमने डायरेक्टली कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, हम डायरेक्ट रखे सो गए। और अभी सुबह उठ के हम मस्त सब फ्रेश होके हम जा रहे हैं गोकर्णा मुरुडेश्वर टेम्पल, और आगे की स्टोरी आपको हम आगे बताएंगे। तब तक आप ये व्यू एंजॉय कीजिए और देखिए कैसे एडिट कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, नोटिस कीजिए ज़रा। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं यहाँ के रोड्स अच्छे हैं, और ये व्यू तो क्या बोल सकते हैं, मतलब ये नदी और ये पहाड़ सब अलग ही दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पे पीछे मैं अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ। सो फाइनली हम आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे गोकर्णा मुरुडेश्वर टेम्पल। हमारे सामने है शिव जी की 123 फुट की मूर्ति, और उसके साइड में आप देख सकते हैं मुरुडेश्वर टेम्पल। ये मूर्ति और ये टेम्पल अगर आप देखोगे तो शिव जी की मूर्ति 123 फुट और ये टेम्पल है, इसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते, ये तो बहुत हाइटेड है। ये है हमारा ऊपर का व्यू, जो हम हमारे शिव जी की मूर्ति के यहाँ पर हम खड़े हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ के गार्डन्स कैसे हैं। यहाँ पे एक आगे एक शनि मंदिर है, फिर उधर एक आगे राइट साइड में होटल है, और ये हमारी शिव जी की मूर्ति, अंदर मंदिर है शिव जी का, ऊपर 123 फुट मूर्ति। अगर आप गोकर्णा आए हो तो गोकर्णा का जो सामने वह सामने दिख रहा है जो बीच, वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ का जो पानी है आप बिलीव नहीं कर सकते वहाँ का पानी कितना साफ है। सो आज है हमारे राइड का तीसरा दिन। हमने पहले दिन हमने राइड की, हमने होटल में नॉनस्टॉप जो हमारा जो होता है जो 750 किलोमीटर डिस्टेंस वो हमने कवर किया, उसके बाद नॉनस्टॉप नहीं बोल सकते, स्टॉप तो ले थे बीच में, और उसके बाद फिर सेकंड डे हम गोकर्णा गए, गोकर्णा में मुरुडेश्वर टेम्पल गए, शिव जी की जो 123 फुट मूर्ति है वहाँ पे ही है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे ओम बीच करके एक बीच है वहाँ पे गए, और उसके बाद हमारा मतलब जो मैंने मेरा गोप्रो है उसका बैटरी का जो इशू बोला था वही इशू एज इट इज़ मिला मुझे फिर से, और फिर मैंने मेरा जितना वीडियो रिकॉर्ड किया था उतना कल का दिखाया। और अभी हम जा रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल, मतलब मुंबई, अभी हमारा गोकर्णा का सब जो हमें देखना था वो हो गया है, अभी हम जा रहे हैं हमारे रास्ते हम मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई जाते जाते हमें वो अपना दूध सागर वाटरफॉल मिलने वाला है, मतलब हम करके जाएंगे दूध सागर वाटरफॉल, और वहाँ पर उसके जाने के बाद देखते क्या होता है। अभी हम आए हैं केसवाट, किधर है ये अपना गोवा, और गोवा में आप देख सकते हैं ये जो हम व्यू देख रहे हैं ये हम मिस कर रहे थे। अगर आप कर्नाटक का जो वीडियो देखे होंगे, मतलब मैंने देखा ही रहेगा। सो ये आप देख सकते हैं, देखो क्या ग्रीनरी है, देखो क्या रोड्स है, और इसके आगे की जर्नी के लिए आपको
वेट करना होगा, क्योंकि ये अभी का वीडियो आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा हो गया है। तो जो अपना दूधसागर वाटरफॉल पे जो हम आगे जाने वाले हैं और उसके आगे की जर्नी, उसके लिए हमें ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यही स्टॉप कर रहा हूँ।